हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं आज आप सभी के साथ ऐसी वीडियो शेयर करने वाली हूँ, ओनली ऑन 5 प्रोडक्ट, नहीं ये तो 10 हो गया है ना, ओनली 5, ठीक है, जिससे कि आप लोग इजीली डेली वेयर में कभी आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, ऑफिस, कॉलेज या फिर कहीं भी जाना हो, इससे आप लोग पार्टी मेकअप भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और ज़्यादा मैं आज बकर बकर नहीं करने वाली हूँ, आप लोगों को बोर नहीं करने वाली हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो में आगे बढ़िए। आप बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी, चलिए लेके चलती हूँ सीधे आगे वीडियो। तो सबसे पहले तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को, ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ। सबसे पहले ये बिंदी निकाल देती हूँ, है ना, मेकअप करने से पहले। और सबसे पहला प्रोडक्ट है वो फेयर लवली। फेयर लवली तो सबके पास मोस्टली मिल ही जाएगी, सबके मेकअप किट में जरूर, कुछ हो चाहे ना हो, ये चीज़ तो ज़रूर होती है, क्योंकि ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होती ना, इसलिए सबके पास इजीली मिल जाती है। और इसको लगाना ना बहुत ज़्यादा इजी होता है, इसको ब्लेंडिंग करने का कोई झंझट नहीं रहता है। ब्लेंडिंग आप लोग आसानी से इजीली आप लोग हाथ से ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास हो सकता है कि ब्यूटी ब्लेंडर भी नहीं हो, तो आप लोग इसके लिए कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग हाथों पे थोड़ी सी ले लेंगे, इसको निकल जाओ, देखिए वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़े हल्के मात्रा में ही लेना है। और इसको पूरे फेस पे हम लोग अप्लाई कर लेंगे, डॉट डॉट करके, पहले थोड़ा अंडर आईज, अगर आपके डार्क सर्कल्स हो गए हैं तो अंडर आई ऐसे टैप टैप करके आप लोग लगाइएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ले करके। और बाकी साथ में ऐसे हाथ से मिला करके पूरे फेस पे अच्छे से लगाना है, और साथ में नेक पे भी। तो मैंने कहा नहीं था कि इसको ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि इसमें ब्यूटी ब्लेंडर का झंझट ही नहीं है, तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ये मेकअप ना आप लोग मतलब डेली बेसिस पे घर में भी कर सकते हैं, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, या फिर आप लोग पार्टी जाने के लिए भी कर सकते हैं इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आपको खुद अभी लाइव प्रूफ सामने से दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये मैंने इजीली लगा लिया है, जो कि देख रहे हैं फेस पे पूरा अच्छे से कवर अप हो गया है। सेकेंड चीज़ जो है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, टैल्कम पाउडर छोटा सा, ये भी मोस्टली सबके घरों में मिल ही जाएगा, क्योंकि ज़्यादा ये भी कॉस्टली नहीं है, हार्डली 10 से 15 रुपीज़ के अराउंड में आता है ये। तो इसको अपने हाथों पे अच्छे से पहले से निकाल लेना है। और हाँ, कोई भी क्रीम लगा उसके बाद आप लोगों को अंडर आई सेट करने के लिए, पूरा फेस पे सेट करने के लिए पाउडर तो लगाना ही है। तो मैं ये वीडियो में ज़्यादा तामझाम नहीं दिखा रही हूँ, ज़्यादा महंगे चीज़ें नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि सबके पास सारे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए खासली वीडियो है जिनके पास कम प्रोडक्ट है और वो ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत लोगों के पास तो ऐसा होता है कि ब्यूटी ब्लेंडर नहीं मिलता है, लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसा भी होता है कि उन लोगों के पास स्पंज भी नहीं होता है, क्योंकि मोस्टली उन लोगों के पास स्पंज मिलेगा जो कि कॉम्पैक्ट पाउडर यूज करते हैं। नहीं भी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के हेल्प के लिए लाई हूँ, बहुत ही ईजी सी हैक समझ लीजिए। तो ये देखिए, ऐसा सॉफ्ट सा टॉवल तो सबके पास होगा, सबको ईजिली अपने पास रखता ही होगा, टॉवल, रुमाल, जो भी बोल लीजिए इसको। तो इसको अच्छे से पहले फोल्ड कर लीजिए ऐसे, इसको लेकर के ऐसे पाउडर में टैप टैप करके सेट कर लीजिए, है ना, बहुत ही इजी सा हैक। तो जरूर ट्राई कीजिएगा इसको, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इससे करना। पूरे फेस पे कर लेना है, ठीक है ना, पूरे फेस पे लगा लेना है हम लोगों को अच्छे से। और गाइस, पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ कि, कोशिश करती हूँ कि नॉइज ना आए आप लोगों को, लेकिन मेरा घर ऐसे जगह पे है कि नॉइज आ ही जाता है कभी वीडियो बनाऊँ। अगर मैं आप लोगों को वॉइस ओवर दूँ तभी आप लोग का क्लियर आवाज़ आ सकती है, नहीं तो फिर तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, आप लोग वीडियो में फोकस कीजिएगा कि क्या चीज़ बेनिफिट है आपके लिए इस वीडियो में और क्या चीज़ आपको फ़ायदा होने वाला है। तो प्लीज़ नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, हम लोग अपने पाउडर से पूरे फेस को सेट कर लिया है हम लोगों ने। थर्ड जो बारी आती है हमारे काजल की, काजल से ही हम लोग दो चीज़ करेंगे, एक काजल से दो काम करेंगे। पहला तो हम लोग काजल लगाएंगे,
सेकेंडली हम लोग इससे अपना आईब्रो सेट करेंगे क्योंकि हमारे पास आईब्रो पेंसिल नहीं है बहुत लोग, और ज़्यादा काम हम करने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर काजल है आपके पास तो ईजिली आप लोग आईब्रो सेट कर सकते हैं अपना। तो ये काजल से कर रही हूँ मैं अपना आईब्रो सेट। काजल लगाने के बाद आप लोगों को क्या करना है, ईयरबड्स, ये तो आप लोगों के पास से, ये भी मोस्टली लोगों के पास मिलता ही है, सब लोग रखते ही हैं। तो इससे आप लोगों को अपने आईब्रो पे ऐसे फिल करना है ताकि जो आपके आईब्रो पे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और आपका आईब्रो एकदम नेचुरल लगेगा। तो दोनों साइड का हम लोग को सेट कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होगा ना वो निकल जाए। और ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा डार्क भी अच्छा नहीं लगता, अगर आप कॉलेज जा रही हैं, ऑफिस जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा हेवी या डार्क अच्छा भी नहीं लगेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो दिन में ऑफिस भी जा सकते हैं, कॉलेज भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस मेकअप से, ओवर नहीं लगेगा आप लोगों को। तो अब बारी आती है आईब्रो, तो हम लोग कर दिया शेड, अब आती है आई शेडो लगाने की। तो बहुत लोगों के पास महंगे महंगे आई शेडो पैलेट है, तो मैंने तो पहले ही बताया है ये वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली है जिन लोगों के पास प्रोडक्ट की कमी है और ज़्यादा वो लोग पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट अवेलेबल उनके पास नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हम लोग बहुत ईजी सा मेकअप अच्छा से करेंगे। तो लिपस्टिक, ये लिपस्टिक तो सबके पास होगी, मैक्सिमम ये 25 या 30 के अराउंड में मिलती है, तो आप लोग ईजिली बाई कर सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेवी रेंज का है तो आप लोग बाई नहीं कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं नॉर्मल, आप लोग शॉप से भी, आसपास की दुकानों पे भी मिलती है ये। तो इसको क्या करना है, अपने फिंगर पे ऐसे थोड़ा सा ले लेना है और आईज के आउटर कॉर्नर पे इसको अप्लाई करनी, ठीक है, वो भी हल्का आ, ठीक है। सेकेंडली दूसरे हैंड के दूसरे फिंगर पे भी लेके आप लोग को आईज के आउटर कॉर्नर पे ही इसको अप्लाई करना है, ओके। अब इसको हम लोग ब्लेंड करेंगे, अगर इसको भी आप लोग फिंगर टिप से भी अगर ब्लेंड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, इजीली हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो क्योंकि थोड़ा सा इधर थोड़ा ज़्यादा दिखने लगेगा ना, इसलिए मैंने लगाया है ये शेड, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और सेकेंडली आपके पास ये ईयरबड्स है ना, तो इससे भी आप लोग ब्लेंड कर सकते हैं इजीली। और ये मैंने सिर्फ क्रीज कट पे ही लगाया है क्योंकि आप लोग को कॉलेज या फिर मतलब कॉलेज ऑफिस या फिर मार्केट भी जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो ये मेकअप इजीली आप लोग करके जा सकते हैं, आप लोगों को ओवर नहीं लगेगा, हेवी नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने हल्का ही लगाया है और वो भी सिर्फ क्रीज कट पे ही लगाया है। ये वो है आईलाइनर जो कि ब्लू हेवन का है, ये भी मैंने 25 का ही लिया था, पता नहीं आप लोगों के साइड में कितना मिलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता होगा तो 30 के अराउंड ही मिलेगा आपको, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये भी आप लोग इजीली बाय कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है, तो अगर है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम लोग लाइनर लगाते हैं। बहुत लोगों को ना लाइनर लगाने में भी प्रॉब्लम होती होगी, तो सबके लाइनर लगाने के अपने अपने अलग अलग तरीके होते हैं, मैं कैसे लगाती हूँ आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से पतला, बहुत लोग को मतलब पहले विंग बनाते हैं, अपनी अपनी तरीके जिससे आपको हेल्पफुल लगे वैसे लगाइएगा आप। तो सबसे पहले मैं लगाती हूँ आपको इनर कॉर्नर से ही पतला सा लाइन बना लेती हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही लगाते आती हूँ, मुझे आदत हो गया ऐसे ही, फिर यहाँ पे आकर के पहले विंग बना लेती हूँ, फिर इसको पूरा फिल करती हूँ। तो ये देखिए मेरी लाइनर हो गई कंप्लीट। आपको जैसी लाइनर पसंद है, मोटी पसंद है तो मोटी लगाइए, पतली लगानी है पतली लगाइए, जैसी आपको पसंद हो। मुझे तो थोड़ी सी मतलब मीडियम साइज की। दूसरे हाथों से लगाना है तो पहले हाथ को ऐसे घुमा लेना है धीरे धीरे, जिनको नहीं लगाना आता, जो विगनर्स हैं वो पहले धीरे धीरे अप्लाई करेंगे, पहले विंग्स हल्के हाथों से क्रिएट कर लेंगे फिर फिल करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका बिगड़ सकता है।
ये देखिए मेरी दोनों साइड की आईलाइनर हो गई है फिल, बहुत ही अच्छा लुक है। और अब आपको यही लाइनर से मैं आप लोगों को एक और हैक बताती हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आईलाइनर एक और चीज़ में काम आ सकती है, गेस करो गेस करो, मैं ही बता देती हूँ। अगर आपके पास मस्कारा नहीं है ना तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये आईलाइनर ही हम लोग मस्कारा के तौर पर यूज करेंगे। चलिए दिखाती हूँ कैसे मैं करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और हाँ, ये लगा के थोड़ा सा लिक्विड ही है ना, तो आप लोग पलकों को ज़्यादा झपकाइएगा नहीं, नीचे टच होगा तो फिर वो थोड़ा सा खराब होने का चांसेज रहता है। तो ये देखिए मैंने मस्करा एज ए मस्करा भी लाइनर लगा लिया है और बहुत ही खूबसूरत लगा है, बहुत ही खूबसूरत। आप लोग को क्या ही बताऊँ, ट्राई कीजिएगा, इसके बाद ही पता चलेगा ना आप लोगों को। तो अब हम लगा लेते हैं काजल। काजल सच पूछो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डार्क या ओवर नहीं लगाती हूँ, मैं हल्का ही लगाती हूँ काजल। तो ये रहा मेरा काजल भी मैंने लगा लिया है। देन अब आती है बारी लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक आपने जो भी शेड का लिया होगा, मैंने बताया कि 25 का लिया है मैंने, उसमें भी बहुत सारे शेड आपको मिल जाते हैं मार्केट में ईजिली। आप लोगों को जो शेड लेना होगा, जो आपके पसंद का होगा। पहना है पर्पल कलर का ड्रेस जो कि आप लोग देख रहे हैं, तो सोच रही हूँ कि इसी टाइप का कोई लिप शेड अपना क्रिएट करूँ। तो सबसे पहले मैं एक, ये भी हैक हो जाएगा आप लोग को, के लिए जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले इजीली हम लोग यहाँ पे लगाएंगे लिप लाइनर के तौर पे काजल। यहाँ पे भी बीच में भी हम लोग थोड़े थोड़े से काजल लगा लेंगे। उसके बाद जो कि मैंने आप लोगों को लिपस्टिक दिखाया था वो मैं यूज करूंगी। थोड़े से ना मेरे यहाँ पे होंठ पे भी फोड़े टाइप के हो गए हैं, तो थोड़ा सा होंठ थोड़ा अजीब दिख रहा होगा आप लोगों को, बट थोड़ा सा ये डार्क शेड हो गया है ना, अच्छा दिख रहा ना। देन मेरा एक चीज़ है ना कि मैं कोई भी कलर की ड्रेस पहनती हूँ लेकिन मुझे रेड बिंदी ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलिए अब लगा लेती हूँ अपनी बिंदी। तो मैंने रेड बिंदी लगा ली है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ तो मुझे सिंदूर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग अगर मतलब बैचलर हैं तो कोई आप लोगों को ज़रूरी नहीं है, तो हल्का ही लगाएंगे क्योंकि अगर हम लोग को अगर हम लोग मैरिड में हैं, हाउस वाइफ है, मैं तो हाउस वाइफ हूँ फिलहाल, सॉरी बोले में थोड़ी सी दिक्कत हो जा रही है। तो अगर आप कॉलेज या फिर ऑफिस जा रही हैं तो हल्का ही लगाइएगा, जैसे कि मेहंदी ही लगा ली। हेयर स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, कोई भी हेयर स्टाइल हो आप लोग पे अच्छा ही लगेगा। तो ये दर्श को मुझे अभी जाना था पार्टी के लिए, तो मैंने सोचा कि बस थोड़े से ओपन हेयर रखूँ। तो चलिए आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी सी बालों को अपने आगे से निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा खूबसूरती ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हेल्पफुल लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बहुत मेहनत से वीडियो शूट कर पाती हूँ मैं, एक तो ऐसी जगह पे हूँ कि क्या ही बताऊँ आप लोगों को, नॉइज़ बहुत ज़्यादा आने की टेंशन रहती है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम नॉइज़ आए। एंड मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड लाने की, क्योंकि बहुत लोगों से मैंने सुना है कि आपकी एक ही बैकग्राउंड रहती है। तो मेरे ऐसे कुछ पर्सनल इश्यूज हैं जो कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप कि अगर आप लोग बहुत सारा प्यार सपोर्ट करेंगे तो आने वाले दिनों में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड क्रिएट कर पाऊँगी। सो बैकग्राउंड से क्या, आप लोगों के लिए तो वीडियो हेल्पफुल होने चाहिए ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस।